शुरू में ऐसा करता है। अच्छा एक बार जयकारे में लगवा दूं। देखिए संगत बहुत अच्छी है, बहुत यहाँ प्यारे प्यारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी एक बार पूरे हाथ खड़े कर दिखाएं महामाई को। क्या बात है। देखो ठंड में मानता हूँ कि हो रही है, हमें भी लग रही है, पर अगर दिखा देंगे सुंदर सुंदर हाथ तो बड़ा आनंद आएगा और जोरदार जयघोष करेंगे माँ के नाम की। जयकारा शेरा वाली दा, जयकारा चंडे वाली दा। मेरे को पंजाबी नहीं आती पर पंजाबी में बोल देता हूँ थोड़ा बहुत, चंडे वाली दा। आइए कोशिश करते हैं माँ को रिझाने की, मनाने की, क्योंकि गाना बजाना कलाकारों का काम है, हम सेवादार हैं। काफी दिनों के बाद यहाँ चौकी हुई है, क्योंकि उंगलियों में गिन गिन के ये रात आई है। कितने दिनों के बाद है आई भक्तों रात भजन, मीठे मीठे तालियों का साथ देते रहे भजन में तो आनंद दुगना हो जाता है। दिखाएं एक बार भक्तों रात भजन की, उसका उड़
अब कहीं सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की जय करो चंडे वाली दा। आइए मेरे जितने सेवादार हैं एक बार सामने आ जाएं, फिर कोशिश करते हैं थोड़ा सा नचाने की रिझाने की। आइएगा 1 2 3 4 की इच्छा होती है कि अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखाए, अच्छा घर, अच्छा वर मिले। उनके दिल से ये दुआ निकलती है जब बेटी विदा होती है। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह,
बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरे झूलों की तरह मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला तुम्हारी बेटी राज करेगी, गलियों गलियों धूम मचेगी, कांधे कांधे डोली उठेगी, डोली में डोलेगा जी, डोली में डोलेगा जिया तुम्हारे बेटी राज करे। अगर लाइनें पसंद आई तो आशीर्वाद के रूप में ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि ये जो माँ बैठी है ये भी किसी की बेटी है, ये जो माँ बैठी है ये भी किसी की बेटी है। ये कहती है क्या कि माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ, माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ, पर तेरी जन्म देने वाली माँ से ठीक 9 महीने छोटी हूँ, क्योंकि ये भी बाबुल के कांधे चढ़ी है, माँ की गोद लेटी है, बाद में जगने माँ का हाय इसको, ये भी पहले किसी की बेटी है। बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनीय पवित्र होती है, माँ बाप जिसके पांव धोते हैं, विदा करते हैं बिलख रोते हैं, काम वो जग में महान करते हैं वो जो कन्या का दान करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जयकारे में दम नहीं हम किसी से कम नहीं। एक बार पूरे हाथ खड़े दिखा दिया और जोरदार जय घोष, बोले दुर्गे मैया की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे ये सम्मान ये प्यार, मैं चाहूंगा अंकुश भैया अपना कार्य संभाले थोड़ा सा, कार्यकार बहुत सारे हैं, गाने को तो बहुत कुछ है पर गाना बजाना और भी कलाकार हैं हमारे, 1 2 3 4 आइए। पवन रॉय मेरी आवाज सुनते हो तो एक बार आ जाए। पवन भाई अगर आवाज सुन रहे हैं तो एक बार स्टेज के पास आ जाए। कि नसीब वाले होते हैं वो माँ बाप जिनकी पूरी ये मन्नत होती है, बेटी के ऊपर इन्होंने गाया और बेटी के ऊपर लिखे हुए 2 शब्द। कि नसीब वाले होते हैं वो माँ बाप जिनकी पूरी ये मन्नत होती है, बेटियां चाहे हो जाए पराई लेकिन घर की जन्नत होती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रतीश भाई के लिए बजा दीजिए। और पवन भाई अगर आवाज सुन रहे हैं और या फिर पवन जी के पापा जी गोविंद सिंह नेगी साहब आप आ जाइए, पवन जी को बाद में ढूंढेंगे। ये सम्मान प्रतीक भेंट करते हुए श्री गोविंद सिंह नेगी जी जो कि पवन रॉय हमारे पवन भाई उनके फादर साहब हैं, उन्हें सम्मानित करते हुए उनका अभिनंदन करते हुए और आप जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद अपना प्यार देते हुए प्रतीश वैद्य जो कि महामाई के चरणों में अभी हाजिर लगा रहे थे।